नमस्कार, फर्स्ट वेयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के सरकारी कर्मचारियों को तनाव मुक्त माहौल में काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और बिहार सरकार की ओर से इसके लिए एक विशेष फैसला लिया गया है कि हमारे राज्य के कर्मचारी तनाव मुक्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी जो है विभाग में बेहतर कार्य करेंगे। और इसके लिए जो है नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है सरकारी कर्मचारियों को लेकर। आपको बता दें कि बीते दिन 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इस मौके पर पूरे देश के लोग जो है योग किए और योगा को अपनाने के लिए शपथ भी ली और इसका बड़ा असर जो है बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार सरकार ने योग के महत्व को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से बिहार के लाखों कर्मचारियों को जो है फायदा होने वाला है। सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधा जो है कर्मचारियों के सेहत पे जो है बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और तनाव मुक्त रहेंगे। बिहार सरकार जो है आपको बता दे कि अब सरकारियों को 15 दिन के लिए छुट्टी दे रही है क्योंकि योगा करने के लिए उन्हें विशेष छुट्टी ये दी जा रही है ताकि आप जो है योगा करें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और आकर बेहतर तरीके से कार्यालय में अपने काम को करें। इसके लिए बिहार सरकार ने विशेष प्रावधान किया है और इसका लाभ जो है सभी स्तर के कर्मचारी उठा सकते हैं। सामान्य जो है स्तर से लेकर बड़े स्तर तक के कर्मचारियों को इस सुविधा जो है दी जा रही है। बिहार सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दिया गया है कि सभी कर्मचारियों के लिए बुद्धा स्मृति पार्क के जो है विश्वसनीय केंद्र में रहकर इसका लाभ लेना चाहें तो पटना में ले सकते हैं और ये कोर्स जो है मुफ्त है, कर्मचारी इसका लाभ ले सकते हैं। उन्हें 15 दिनों की जो है छुट्टी दी जाएगी और इस योजना के तहत जो है कर्मचारियों को 10 दिनों की अवकाश की सुविधा के साथ 15 दिनों की छुट्टी भी दी जा रही है क्योंकि आप पटना के अलावा बोधगया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, चकिया, वैशाली स्थित केंद्रों में जाकर जो है आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और 15 दिन की छुट्टी आराम से बिता सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को जो है मानसिक रूप से स्वस्थ और तनाव मुक्त रखने के लिए जो है बिहार सरकार की ओर से पहल की गई है। सरकार ने बताया है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए रखने के लिए ये एक जरूरी अभ्यास है। सरकार का मानना है कि योग और ध्यान करने से जो है सरकार के कर्मचारी की कार्य क्षमता में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इससे कर्मचारियों के व्यक्तित्व में भी एक अनोखी चमक देखने को मिलेगी और वे अपना काम जो है बिल्कुल दिमाग लगा के अच्छे से करेंगे। ध्यान रहे, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे पहले इसकी घोषणा कर दिए थे और अब जो है ये लागू हो चुका है। मुख्यमंत्री की पहल के कारण योग के माध्यम से कर्मचारियों को अपना कार्य करने में जो है काफी बेहतरीन फायदा मिलेगा। इसके अलावा वे तनाव मुक्त रहकर अपने हर फैसला, अपना हर निर्णय जो है ले पाएंगे और इसके लिए जो है कर्मचारी जब चाहे तब विभाग में आवेदन देकर जो है छुट्टी ले सकते हैं और इससे लाखों कर्मचारियों को जो है फायदा मिलेगा। वो स्वस्थ रहेंगे मानसिक रूप पर और बेहतर तरीके से काम करेंगे। ऐसा करने से कर्मचारी बिल्कुल जो है खुद को रिलैक्स महसूस कर रही है और उनकी काम करने की क्षमता जो है दोगुनी होगी। फिलहाल इस पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएगा। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।